एक इशू और आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जब मॉक पेपर लगाते हैं ना, तो मॉक पेपर में प्रॉब्लम ये आती है कि किसी इंस्टीट्यूशन का मॉक पेपर लगाया, स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। तो मॉक पेपर को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो अब, कि ना एक का हमने मॉक पेपर लगाया। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है वो अलग अलग लेवल के हिसाब से मॉक पेपर बनाते हैं। ज़रूरी नहीं ना कि इंस्टीट्यूशन ने जो मॉक पेपर बनाया वही बिल्कुल एकदम IBPS के हिसाब का बनाओ, तो काफ़ी बड़ा एक अंतर आ जाता है। तो आप कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स ने ना मॉक पेपर में अच्छा स्कोर नहीं किया लेकिन उसका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आ गया। तो ठीक है, बस आप ये देखिए जो कमियाँ हो रही हैं उन कमियों को आप बिल्कुल सुधार लो, क्वेश्चंस जो हो रहे हैं उनको आप सही करो, बट मॉक पेपर को इतना बड़ा लोड मत लो कि बिना उसके आपकी चीज़ें हो नहीं पा रही। ठीक है, बाकी अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस करो, बढ़िया तैयारी करते रहो अच्छे से। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम मॉक शुरू करें, कि आपके कई बार क्या होगा कि स्कोर जो है कई बार कम आएगा, बहुत कम आएगा। मेरा एक बार IBPS क्लर्क का जो पेपर था, मेरा स्कोर आया था मॉक जब मैं दे रहा था तो उसमें मेरा स्कोर आया 34 परसेंटाइल, और ये बात था एग्ज़ाम के कुछ 2-4 दिन पहले IBPS क्लर्क के मॉक टेस्ट में। फिर जब मैं IBPS क्लर्क का पेपर दे के आया तो मेरा जो स्कोर, मतलब मैंने अटेम्प्ट की थी 86 और मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, और मेरा जब रिज़ल्ट अभी स्कोर कार्ड आया तो मुझे 1.25 नंबर से मैं रह गया हूँ। अब ऐसा है कि 34 परसेंटाइल आने के बाद कई बार लोगों को लगता है कि नहीं हो पाएगा, कई बार कुछ लोगों को लगता है कि यार सिर्फ 70 परसेंटाइल आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता हमेशा। कई बार कुछ लोग जो होते हैं बहुत कम अटेम्प्ट करके आते हैं, या फिर बहुत, मतलब कम क्यों, जिनके परसेंटाइल बहुत कम होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनका वो नहीं होगा, तो मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं। कभी भी अपने आप को परसेंटाइल से जज मत कीजिए, बस अपने आप को उस चीज़ से जज कीजिए कि कितना आपको आता है। ऑब्वियसली जो मॉक का लेवल होता है वो 100% एग्जैक्ट लेवल नहीं होता, ईजी आता है उससे। मैं ओली बोर्ड का देता हूँ, ओली बोर्ड से तो बहुत ज़्यादा ईजी आता है। कुछ लोग टेक्स्ट बुक का देते हैं उसके कुछ करीब करीब आता है, या फिर उससे भी थोड़ा आप तो ईजी आने लग गया, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने बहुत अपना लेवल अच्छा कर दिया। तो मॉक की वजह से कभी परेशान मत होना, अपने परसेंटाइल जिनके अच्छे आ रहे हैं उनके अच्छे आने दो, अपने ऊपर काम करो कि अपना ज़्यादा अच्छा आना चाहिए। अगर कई बार कम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरा आज मैंने जो मॉक दिया है, आप उसका परसेंटाइल देखना कितना कम आया है। मेरा पहले दिन जब मैंने मॉक दिया था तो मैं 54 आया था, फिर 57 आया, फिर 62 आया, और अभी जो मैंने अभी मॉक दिया है उसमें 54 से भी कम आया है। तो इसमें दुख होने वाली बात नहीं है, कोई नहीं, अगला मॉक भी है। 20 मॉक आते हैं पॉली बोर्ड पर, तो अभी तो हमने सिर्फ 3 ही दिया और चौथा एक टेस्ट दिया था, तो 4 ही मॉक हुए अभी तक हमारे। तो अभी और आएंगे और आते आते देखेंगे कि किसके कैसे जाते हैं और क्या। तो आप ही चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा जैसा टाइम निकलेगा हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और बेटर बनने की कोशिश करेंगे। सो कभी भी परसेंटाइल से मत घबराना, बस उस चीज़ से घबराना कि अगर आपको आता नहीं हो, अगर आपको आता है तो आप स्कोर कर ले जाएंगे। अब मॉक देखो पूरा, बाय। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, और आज हम देने वाले हैं ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट 3। स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं पहले पेपर देने से पहले। तो सबसे पहले आएगा सेक्शन इंग्लिश का, जिसमें हम सबसे पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, जो नहीं आएंगे वो नहीं करेंगे। पैसेज के लिए हमें एटलीस्ट 8 मिनट देने पड़ेंगे, तभी वो पैसेज सॉल्व हो पाएगा अच्छी तरह से। हार्ड क्वेश्चंस को स्किप करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम नंबर आएगा चलेगा, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी मैटर करती है। परसेंटाइल तो आज नहीं तो कल बढ़िया हो ही जाएगा अगर एक्यूरेसी रही तो। और वैसे भी नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कितना देखने को मिला है IBPS क्लर्क में, ये आप सबको पता ही है। जो मुझे एक पता है, तमन्ना चौधरी करके एक यूट्यूबर है, आप उनका देखना, उन्होंने 75 या 73 कुछ अटेम्प्ट करे थे और उनके मार्क्स आए 95+। ये इनके एक्यूरेसी की वजह से आए, और उनकी हार्ड शिफ्ट थी इसलिए इतना ज़्यादा इनका वो हो गया, मतलब नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ गए, रीजनिंग में उनके 6 मार्क्स बढ़ गए। अब चलते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में स्पीड मैथ सबसे पहले करनी है, अगर मिसिंग आएगी तो कर लेंगे, और अगर रॉन्ग आती है, अगर इजी लगती है रॉन्ग में तो ठीक है, नहीं तो रॉन्ग में अगर आती है हार्ड वाली थोड़ी सी टफ आती है तो नहीं करेंगे। उसके बाद आती है DI को अच्छी तरह से स्टडी करना, क्योंकि लास्ट वाले मॉक में हमने 3 मिनट वेस्ट कर दी थी क्योंकि हमने DI अच्छी तरह से पढ़ी नहीं थी, तो DI पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अर्थमेटिक अगर मतलब टाइम बच गया और अर्थमेटिक करनी हुई तो ईजी वाले सबसे पहले पिक करेंगे, विल नॉट फॉल फॉर, मतलब छोटे लाइन वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए नहीं फंसेंगे, क्वेश्चन को अगर आता होगा तो ही करेंगे वरना छोड़ देंगे। रीजनिंग पे चलते हैं, अगर स्ट्रेटजीज की डिस्कस करें तो मिसलेनियस पहले करने हैं और पज़ल करने हैं। अगर कोई पज़ल ईजी वाली मिल गई तो वो पहले कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पज़ल अच्छी तरह से पढ़ेंगे और हर एक जो
हिंट होती है उसको अच्छी तरह से साफ साफ लिखेंगे, क्योंकि पिछले वाले में आपको पता ही है मैंने एक बड़ी गलती कर दी थी, तो वो कर लेंगे। और उसके बाद ब्लड डायरेक्शन, अगर क्योंकि मेरे कई बार क्या होता है ना कि ब्लड डायरेक्शन लोगों को लगता है इजी है, लेकिन कई बार उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें घुसा देते हैं, तो इस वजह से ब्लड और डायरेक्शन हम लास्ट में करेंगे, और अगर हो सका इजी लगा तो पहले कर लेंगे। तो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आ चुका है IBPS PO 2022 प्रीलिम्स थर्ड, और स्टार्ट टेस्ट अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया अपना पैराग्राफ, ये है मोस्ट वेव्स आर जनरेटेड बाय विंड ब्लोज ओवर ओशन। ओके, तो ये सुनामी से रिलेटेड है कुछ, यहाँ लिखा हुआ है सुनामी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अच्छा 9 से स्टार्ट है। शी वॉन्ट्स टू क्विकली गेट अवे विद ऑल द टीडियस टास्क, ऑल द टीडियस टास्क एज शी इज रेवनसली फेमिश्ड एंड फटीग्ड, एंड सून शी इज गोइंग टू फील पार्च्ड इफ नॉट प्रोवाइडेड विद एडिबल्स। तो मुझे इसमें ए गलत लग रहा है, ए क्यों? क्योंकि विद ऑल द टीडियस टास्क, सारे के सारे टीडियस टास्क नहीं होना चाहिए था, टास्क होना चाहिए था। नेक्स्ट, द पेशेंट आफ्टर विजिटिंग द थेरेपिस्ट वॉज एक्स द पेशेंट आफ्टर विजिटिंग द थेरेपिस्ट वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली लाइट हार्टेड एंड हैप्पी, लाइट हार्टेड एंड हैप्पी, एंड शी सेड दैट शी फेल्ट शी वॉज रिलीव्ड ऑफ ऑल हर स्ट्रेस एनजाइटी एंड जॉय। रिलीव्ड ऑफ एंड स्ट्रेस एनजाइटी एंड जॉय नहीं आना चाहिए, तो डी गलत होगा। नेवर हैव मैथमेटिक्स हैव बीन मोर इम्पोर्टेंट लाइक अ स्किल लाइक देन टूडे, एंड द वे द फ्यूचर लुक्स मैथमेटिक्स कोडिंग एंड डेटा साइंसेज, डेटा साइंस आना चाहिए, मैथमेटिक्स कोडिंग एंड डेटा साइंस विल बी, तो सी आएगा। विक्रम डागर अ रेजिडेंट ऑफ नजफगढ़ नजफगढ़ ईसापुर विलेज ही हैड टू ट्रेवल एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स एवरी डे फॉर 3 ईयर्स टू परस्यू अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। विक्रम डागर अ रेजिडेंट ऑफ नजफगढ़ ईसापुर विलेज ही हैड टू ट्रेवल एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स एवरी डे फॉर 3 ईयर्स टू परस्यू अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका पता नहीं कुछ, तो मार्क पर रिव्यू करते हैं। पासर्स बाय आर रिक्वेस्टेड बी आएगा। वाटर स्टार्ट्स ड्रिपिंग ऑफ माई हाउसेज रूफ, ड्रिपिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ माई हाउस एवरी टाइम इट रेन्स, ऑफ माई हाउसेज रूफ, ड्रिपिंग ऑफ ही आना चाहिए वैसे तो, ड्रिपिंग फ्रॉम नहीं होता, ड्रिपिंग ऑफ माई हाउसेज रूफ। ये सही लग रहा है मेरे को, पर इसमें मेरे को मार्क एंड रिव्यू करना पड़ेगा। अनलेस द प्रिंसिपल विल नॉट टेक एनी एक्शन, प्रिंसिपल डज नॉट टेक एनी एक्शन देर विल बी नो इम्प्रूवमेंट इन द बिहेवियर ऑफ मिस्चीवियस स्टूडेंट। अनलेस द प्रिंसिपल डज नॉट टेक एनी एक्शन। क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इट मीन्स टू बी द ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस रिक्वायर्ड क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन नीड रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंशन नहीं रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इट मीन्स। ओके, वॉट विल बी द अच्छा रीअरेंजमेंट आ चुका है, ई तक है, ABCDE। तो चलो इसमें अब वही पुरानी स्ट्रेटेजी जो मैंने अपने चैनल पर बताई हुई है। एज आई एसर्टेड ट्रुथफुलनेस आई ऑल्सो रियलाइज आई वॉज मिस्टेकन बट आई वॉज नॉट नॉट मैंडिशियस। तो इसमें ए में लिखा हुआ है कि जैसे मैंने सच्चाई बताई मुझे लगा कि मैं गलत था, यहाँ पे ये कहानी जैसा है, सच्चाई बताई
तो उसे लगा वो गलत था। बी, वन डे आई टोल्ड अ फ्रेंड दैट नो दिस इज़ द कैपिटल ऑफ दिस। मैंने अपने एक दिन की बात हो रही है तो ये शायद पहला सेंटेंस आ सकता है, लेकिन पहले पूरा पढ़ेंगे। 5 सेकंड एंड अ ब्लर ऑफ फिंगर लेटर ही सेड नो इट्स नैशविल। तो उसके दोस्त ने उसे करेक्ट किया, सी में करेक्शन दे रहा है उसका दोस्त। डी, माई स्टेटमेंट वॉज ऑब्वियसली नॉट ट्रू बट सिंस आई सिंसियरली बिलीव इन द एक्यूरेसी ऑफ वॉट आई वॉज सेइंग आई वॉज नन द लेस बींग ट्रूथफुल। तो वो अपने आप की गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, एक्सेप्टेंस नहीं है उसमें। माई स्टेटमेंट वॉज ऑब्वियसली नॉट ट्रू बट आई सिंसियरली बिलीव इन द एक्यूरेसी ऑफ वॉट आई एम सेइंग आई वॉज नन द लेस बींग ट्रूथफुल। ई, दस द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रूथ एंड ट्रूथफुलनेस इज वाइटल बट इन डेंजर ऑफ बींग लॉस्ट इन डिबेट्स ओवर पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स एंड फेक न्यूज। तो अपने आप को सही करने के लिए ये बोल रहा है कि मुझे लॉस्ट ना हो जाऊँ मैं डिबेट्स में, तो मुझे सच्चाई और जो सच्चाई ज़रूरत है, तो उसे उसने फेक न्यूज़ बताना शुरू कर दिया अपने दोस्त को। तो यह दस द डिस्टिंक्शन द डेंजर ऑफ बींग, तो उसको खतरा लगा अपनी डिबेट में हारने का, और इसमें 10 भी लिखा हुआ है, तो ये ई लास्ट हो सकता है। तो बी फर्स्ट आएगा, ई लास्ट आएगा। अब बीच के 3 अपने को सेटल करने। तो वन डे आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट नॉक्सविल इज द कैपिटल ऑफ टेनेसी। 5 सेकंड एंड अ ब्लर ऑफ फिंगर्स लेटर ही सेड नो इट्स नॉट इट्स नैशविल। एज आई असर्टेड माई ट्रूथफुलनेस आई ऑल्सो रियलाइज आई वॉज मिस्टेकन। अब क्या है ना कि काफ़ी सारे बच्चे ए पहले लगा देंगे, बी ए सी लगा देंगे, जो कि उनका मानना गलत भी नहीं है, हो सकता है। और डी आएगा, माई स्टेटमेंट वॉज ऑब्वियसली नॉट ट्रू बट सिंसियरली आई वॉज बिलीव इन दैट आई वॉज नॉट ट्रू दस द डिस्टिंक्शन ऑफ। तो डी लास्ट के ये सही है। अब ये देखना है वंस, अब देखते हैं पढ़ने में कैसा लग रहा है। वन डे आई टोल्ड माई फ्रेंड नॉट द टेंसी और 5 सेकंड लेटर इन दीज नेट विज, ठीक है। एज आई एक्सेप्टेड माई ट्रूथफुलनेस आई ऑल्सो रियलाइज आई वॉज मिस्टेकन। एक बार ये पढ़ते हैं, वन डे टेंसी एज आई एक्सेप्टेड माई ट्रूथफुलनेस आई ऑल्सो रियलाइज बट आई वॉज नॉट मैं 5 सेकंड इन दिल नो इट्स नैशविल। एज आई एक्सेप्टेड माई ट्रूथफुलनेस, तो मुझे ये फर्स्ट वाला ही सही लग रहा है यार। तो इसमें एक बार देखते हैं क्या होता है। बी सी ए डी ई, फर्स्ट सेंटेंस बी विच इज करेक्ट, सेकेंड सेंटेंस सी, थर्ड सेंटेंस ए, फोर्थ सेंटेंस डी, फिफ्थ सेंटेंस ई। हाँ, लास्ट टाइम जब मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए थे तो मैंने बहुत गलत करे थे, पर अब देखते हैं क्या होता है। सी डी, Apple had experienced huge success in the past, only to lose itself in a flurry of products and initiatives. देखते हैं। A, China's online censor have for years relentlessly silenced political dissent, who has threatened to disturb the digital pace. A. BD देखते हैं। The Chinese government has taken a series of steps in the recent days, who has threatened the disturb in series of steps in which threatened तो BE हो सकता है यार। BE का कोई आ नहीं रहा तो इसलिए ये नहीं होगा। CD, Apple has CD तो सही था। BF, the Chinese government has taken a step in the recent days, any room for नहीं। तो AD, Chinese government descent only to lose अरे प्रोडक्ट। हाँ तो ये सही है, ए सी डी आएगा। बी ई, देर आर सिंपली टू मैनी रीजन्स फॉर योर फ्लरी बेस्ट फ्रेंड माइट पुल ऑन द लिस्ट प्रेसिंग द कॉलर अगेंस्ट योर वाइंड पाइप। बी एफ, देर आर सो मैनी बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड बट इफ़ यू यूज अ लार्जर पैन यू को केक की बात हो रही है तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ए ई देखते हैं। टुडे द मशरूम डोम इज सो पॉपुलर दैट माइट पुल द लिस्ट प्रेसिंग द कॉलर अगेंस्ट द मशरूम डोम। मशरूम यानी खाने की बात हो रही है। दैट माइट पुल ऑन द लिस्ट दैट इट ओनली हैज 2 or 3 वैकेंसीज अ टिपिकल ईयर। केक की बात हो रही है ना, तो केक तो ये सी एफ के साथ आ रहा है, सी एफ आ रहा है, सी एफ इसमें भी आ रहा है, तो सी एफ तो बनेगा। बी ई देखते हैं। तो फ्लरी बेस्ट फ्रेंड माइट पुल ऑन द लिस्ट प्रेसिंग अ कॉलर अगेंस्ट द विंड बीट इट हैज ओनली। हाँ तो सही है, ए डी। थोड़ा टाइम लग रहा है यार, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लग रहा है। 1 सेकंड कहाँ गया है माउस?
ये रहा, ये दो तीन चार आठ तो क्वेश्चन ही बच्चे, चलो जल्दी कर देंगे। द बुद्धा इनक्रेज अ बैलेंस बिटवीन योर हार्ट विल नेवर, नहीं बैलेंस बिटवीन कैन ब्रिंग अस, नहीं बैलेंस बिटवीन ऑब्स्ट्रैक्ट आर पार्ट टू हैप्पीनेस, तो ए का तो नहीं बन रहा, ए का डी से नहीं बन रहा, बी ई से बात करते हैं। सेंचुरीज लेटर द क्वेश्चन ऑफ वेदर मनी कैन ब्रिंग अस हैप्पीनेस रिमेन्स अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डिबेट, तो बी एफ के साथ आएगा, तो बी एफ का ये आ रहा है, बी एफ का ये आ रहा है, तो सी ई एक बार देख लेते। द आइडिया दैट मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज कैन ऑब्स्ट्रक्ट आर पार्ट टू हैप्पीनेस डेट्स बैक हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सी ई नेक्स्ट, ओके ये सही है। पॉसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर इमेजिन, सौ भी हो सकता है, और डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, अच्छा पॉसिबल ने ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं फिट किया था जो कि उसने इमेजिन किया था, अच्छा तो इमेजिन ही आएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ब्लैंक बी, फॉलर फेल्ट, अच्छा फॉलोइंग इन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द फ्रेंच हॉस्पिटल हेड अ रूम फॉलर फेल्ट चीयरफुल, नहीं अगर इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द सिक्स्थ फ्लोर टॉप फ्लोर सेटिंग फॉर अबल फॉर वन थिंग फैट एंड वेरी फैट, अगर वो फैट है तो वो परेशान होगा, तो फॉलर फेल्ट चीयरफुल नहीं होगा, कॉन्टेंडेड फॉर्चुनेट इरेटिक और लेट डाउन, लेट डाउन फेल्ट लेट डाउन हो सकता है क्या, बाद में देखेंगे। सी अजबल वॉज फॉर वन एंड देन देर वॉज हिज डिसरिस्पेक्ट, although together the American accent has brought to Paris from Boston 20 years ago, you are disappointed, Ossipal said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent and spy and dealing in risk and danger. Risk and danger हो सकता है, money and danger भी हो सकता है, accounts and danger नहीं होगा, तो money and danger, पर risk and danger, पर risk और danger तो एक ही चीज़ होगी ना यार, वो risk है वो danger है, इक्विपमेंट एंड डेंजर, सीक्रेट एजेंट इक्विपमेंट का क्या करेगा, तो इसमें यार मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हैं, ई का देखते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग मसाज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज गेट ओनली आ आ लिखा है, तो आई इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, पी आएगा, ये आर्टिकल से पता चल गया। F, the fat man chuckled to himself, chuckled yani hasna, to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his guest enter. Frustrated guest enter, encouraged nahi hoga, uplift guest nahi hoga, astonished guest ho sakta hai, stimulation guest nahi ho sakta, to A ya D aayega. अगर बोर्ड है तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड भी होगा, तो उसके हिसाब से मैं ये लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका भी, क्योंकि मुझे रिस्क एंड डेंजर का पता नहीं है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, 14th का भी मुझे नहीं पता तो मैं क्लियर कर देता हूँ, जब पता ही नहीं है तो लगाना नहीं चाहिए। और अब चलते हैं पैसेज पे, 6 मिनट है, बहुत कम टाइम बचा है, चलो जल्दी करते हैं। ट्रू बताना है हटाओ, फॉल्स बताना है हटाओ, मीनिंग सेम मीनिंग, यूबीक्यूटस, यूबीक्यूटस सुनामीज आर रेयर कंपेयर टू रूबिक्यूटस विंड ड्रिवन वेव्स, ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट सरकमस्क्राइब्ड कम्युनिकेटिव एम्बिवेलेंट, यूबीक्यूटस मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, है ना, ओमनी प्रेजेंट हो सकता है। सेव एंड नेक्स्ट, मैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करता हूँ। सिमिलर सेरेन, सेरेन का मतलब क्या होता है, वैन अ स्टोन इज थ्रोन इन टू अ सेरेन पॉन्ड बिकम्स बिकॉज द एनर्जी इन सुनामी, सेरिन पॉन्ड यानी एलिगेंट हो सकता है, टर्बुलेंट ओवर थ्रो टेलोरिंग वेव्स आर प्रोक्रिएटेड आउट ऑफ सिमिलर टू व्हेन स्टोन इज सेरिन, सेरिन यानी कि एलिगेंट यानी कि जो शांत हो, एल्यूर यानी कि प्यारा होता है, ओवर ब्रॉट नहीं हो सकता, टर्बुलेंट नहीं हो सकता, ट्रैंक्विल का मतलब नहीं पता, एलिगेंट ही है इसका मतलब। तो वॉट कैन कॉज अ सुनामी अकॉर्डिंग टू अ पैसेज, सुनामीज आर क्रिएटेड बाई एंटायरली डिफरेंट मैकेनिज्म व्हेन एन अंडर वाटर अर्थक्वेक कॉज अ सुनामी, वॉल्केनिक अर्थक्वेक, अंडर वाटर अर्थक्वेक,
व्हेन एन अंडर वाटर अर्थक्वेक, बी और सी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट बाई लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड डिस्प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ बी एंड सी इज नॉट मेंशन अ कॉज ऑफ सुनामी सेव एंड नेक्स्ट. विच लिटरेरी डिवाइस डज द ऑथर यूज इन द सेंटेंस वेव्स प्रोपोगेट ऑल ओवर द डेजर्ट. पन नहीं, सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म यस, उसने जब सिरेन की बात करी थी तब सिम्बोलिज्म दिया था कि वो जब पानी में वो डालेगा पत्थर डालेगा तो कैसे होगा, तो सिम्बोलिज्म दिया था. इमेजरी नहीं, सिमिल आयरनी नहीं, तो एक सिम्बोलिज्म था. नो मैटर द कॉज ऑफ सुनामी आफ्टर इट इज वेव्स प्रोपेगेट आउट ऑफ डायरेक्शन सिमिलरली. हाँ तो सिम्बोलिज्म है, इमेजरी नहीं है. अकॉर्डिंग टू पैसेज हाउ द डार्ट बॉयज वर्क, पता नहीं क्या लिखा है, डार्ट लिखा है, डार्ट डार्ट देखो डार्ट कहाँ लिखा है, डार्ट कहाँ लिखा है, डार्ट 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 कहाँ लिखा है. एक बार बाकी के क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं. वॉट इज मोस्ट लाइकली टू बी द प्रोफेशन ऑफ द ऑथर. देखो डॉक्टर नहीं हो सकता, प्राइमरी टीचर, ओशनोग्राफर मे बी, फिलोसोफर नहीं है. तो एक ये है और एक इसका मतलब नहीं पता, तो बी और ई में से कुछ होगा, देखते हैं. लकली हाँ ये डार्ट बॉय मिल गया, चलो देखो. लकली सुनामीज आर रेयर एंड नॉट नियरली एज मच ऑफ अ सरप्राइज एज देयर वर एट वंस. देयर इज नॉट क्लोर एक्सटिंगुइशिंग एयर बॉटम प्रेशर सेंसर कॉल्ड डार्ट बॉयज. तो पहले पिछला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. दे आर प्रेशर सेंसर दैट कैन सुना. हाँ लकली सुनामी आर नॉट रेयर एंड दिस इज नाउ एन एक्सपेंसिव एरे ऑफ बॉटम प्रेशर सेंसर. दे सेंड एन अलर्ट. दे आर मोर लार्ज वॉल ऑफ वाटर. दे डिस्प्लेसमेंट दे ओनली प्लेस इज टू गो अप सो दैट द वेवर गेट्स टेलर एंड दे अप्रोच शोर. व्हेन सुनामी गेट टू शोर दे ऑफन डज नॉट क्रेस्ट एंड ब्रेक लाइक टिपिकल ओशन वेव. इंस्टेड दे आर मोर लाइक अ लार्ज वॉल ऑफ वाटर देन कैन इंक्लूड लैंड नियर कोस्ट. इट कैन सी रिवर टू सडन बाय राज दिस कैन अलाउ द फॉलोइंग स्वीपिंग पावर्स अवे. ये तो होगा यार. दे सेंड एन अलर्ट व्हेन सुनामी वेव. गवर्नमेंट एजेंसी सेंड वार्निंग प्रायर टू द अराइवल सर्विंग. दे कैन सेंस अ सुनामी वेव एंड अलर्ट अथॉरिटीज. अथॉरिटीज सिटीजन्स को निकलती हैं दे अलर्ट. तो फर्स्ट एंड सेकेंड आएगा सेव एंड नेक्स्ट. ओशनोग्राफर अगर पॉडी आर्टिस्ट लिखा है. क्या होता है ये पॉडी आर्टिस्ट, पता तो है नहीं, कैसे बताएंगे. पढ़े होते तो बताते, क्लियर करते हैं इसको, नहीं आता तो क्लियर ही करो. हाँ थर्ड वाले में ओमनी प्रेजेंट लग रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. देखो अब अपने पास टाइम कितना बचा है, 2.5 मिनट है. क्वेश्चन 22 कर लिए हैं, 30 करने होते हैं, करते हैं भाई. ट्रू कौन सा है. द स्पीड ऑफ सुनामी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डेप्थ ऑफ द ओशन. स्पीड सुनामी आर क्रिएटेड बाय एन अंडरग्राउंड वर्ल्ड एनर्जी है टू गो सो इट डिसइंटीग्रेट सिटी अनलाइक द एनर्जी इन सुनामी वेव्स द येरा येरा. द एनर्जी इन सीरीज ऑफ सुनामी वेव्स एक्सटेंड थ्रू आउट द एंटायर डेप्थ ऑफ ओशन. सुनामीज आर वेरी कॉमन एंड डिस्ट्रक्टिव. नहीं. ड्यूरिंग सुनामी द ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लेस कम्पेयर टू द वाइन. तो थर्ड तो आएगा, तो थर्ड इसमें है, इसमें है और इसमें है. स्पीड ऑफ सुनामी कैसे कैलकुलेट. सुनामी आर क्रिएटेड इन एन अंडर वाटर सो इट जनरेट बाई सीरीज ऑफ वेव्स. सुनामी आर क्रिएटेड. सुनामीज और यार कहाँ चला जाता है ये दिख नहीं रहा. सुनामीज आर एक्सटेंडेड वेव्स like when driven waves when their energy is confined so that the series of tsunami water replacing earthquake can easily move. Tsunami are created by entirely different waves. When an underwater earthquake volcanic eruption displaces or land the amount generate. Average depth of the ocean. तो only third आएगा फिर, क्योंकि इसमें average का भी दे रखा है with the weight and taking the square.
डूइंग दिस यू कैन गेट एवरेज स्पीड डेप्थ नहीं दे रखा मल्टीप्लाइंग बाय द डेप्थ एंड विद द वेट एंड टेकिंग द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन 4000 टर्न बाय द ग्रेविटी ग्रेविटी का भी दे रखा है तो सेव एंड नेक्स्ट फॉल्स द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन इज 4000 मीटर एवरेज डेप्थ ऑफ द 4000 तो ये तो सही है द इंडियन ओशन सुनामी किल्ड नंबर का लिखा हुआ है 2005 चलो छोड़ो यार नहीं हुआ तो क्या क्वांटिटेटिव चलो शुरू करते हैं ये कॉलेज की LMNP ABCDEF ठीक है बिलो लाइन गिवन शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो पार्टिसिपेटेड इन थ्री कॉम्पिटिशन ABCDEF ठीक है फ्रॉम फाइव कॉलेज तो ये नंबर ही है ना तो फिर ये बन जाएगा तो ऐसा करते हैं KLMNP 1 2 3 4 ये इजी है इसलिए मैं पहले बना रहा हूँ वरना मैं नहीं बनाता ABCDEF हमें ब्लू वाले निकालने पहले तो 100 110 120 130 140 140 10 20 30 यानी कि 180 160 200 240 नेक्स्ट सी डी निकालना है 160 120 200 10 20 30 यानी कि 280 100 सी एफ ई एफ ई एफ ई एफ के लिए ग्रे वाला 120 200 एक दो तीन है ना तीन है तो 180 इसमें दो है तो 220 और इसमें 260 चलो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटेंस CD फ्रॉम M से CD यानी कि 200 फ्रॉम M टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन AB P से 240 4 5 20 4 6 24 5 6 What is the difference between the number of students who participate in EF from K? EF from K 120 and the number of student ABL AB from L 180 60 ka difference hai. If the ratio of male student to female who participate in EF from N is 5-6 EF from N is 5-6 5-6 yani 11 20 20 20 120 aur 100 और ये क्या है मेल फीमेल है मेल मेल फीमेल देन हाउ मैनी मेल स्टूडेंट पार्टिसिपेंट ई एफ फ्रॉम एन 100 ये रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पार्टिसिपेटेड इन ई एफ फ्रॉम पी यानी कि 260 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर लेस देन द सी डी फ्रॉम एल 120 यानी कि 0 4 1 140 120 यानी कि 7/6 700/6 6 1 6 6 4 6 36 तो 116 समथिंग आएगा ये रहा एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट वो पार्टिसिपेट इन सी डी के एन के 160 280 280 और 160 8 6 14 से 2 3 4 2 2 2 0 नेक्स्ट ये छोड़ो ये बाद में करेंगे बाद में ये वाला देखते हैं एक बार बैंक डिपॉजिट ऑफ कैश विड्रॉल ऑफ कैश टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक ऑल ऑफ द 150 करोड़ है ना परसेंटेज निकल जाएगा ठीक है डिफरेंस बिटवीन टोटल डिपॉजिट एंड टोटल विड्रॉल इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल सही बात है डिपॉजिट एंड विड्रॉल का पाई चार्ट गिवन विद द डिपॉजिट इन 5 डिफरेंट डेज इफ डिपॉजिट अमाउंट इन बैंक इज मोर डिपॉजिट ज़्यादा है तो बैंक विल गेन प्रॉफिट डिपॉजिट ज़्यादा है तो बैंक विल गेन प्रॉफिट ठीक है पर ये बाद में करेंगे क्योंकि अपने को भी स्पीड मैथ करनी है या गया मिसिंग 15 दिन की 15 चौक 60 6 दिन 12 इसमें क्या गैप आ रहा है क्या एक बार गैप चेक करें 8 इधर 5 1 4 48 143 63 गया तो 0 8 80 आ गया इसमें देखते हैं 2 5 5 1 4 3 2 1 1 112
इसमें तो आ रहा है 2 का 50 6 7 8 32, इसमें 20 और 12 2 3 32 का भी इसमें गैप आ रहा है, तो आगे भी 32 का ही गैप आएगा। तो इसमें था 48 48 80 112, तो 112 में 32 जुड़ेगा, 2 2 4 11 3 144, 2 5 2 5 5 144, 5 4 9 5 4 9 3 9 9। अब देखो माइनस वन हो गया, ये 100% ये स्क्वायर माइनस वन हो रहा होगा, माइनस वन 99 में से 74 गया तो 5 2 25। अब 1174 में से 10 93 गया 1, 17 में से 9 6 9 6 17 होता है ना, हाँ 10 61 61, एक सेकंड 7 में तो 1100 हो गया, अब 74 का 7 4 11 हासिल 1 8 81 है, सॉरी 81 है ना, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, यानी ये 4 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस आएगा तो 13 होगा, तो इसको तो छोड़ो, 13 है 13 4 17 17, यानी 289 289 माइनस करना है 9 2 4 में से, 10 5 इधर आ गया 91 में, 11 में से हट गया 3, ये हो गया 8 में 2 635 आ रहा है क्या, 635 आ रहा है। नेक्स्ट बीस ऐड हो रहा है, इधर भी कुछ ऐड होगा, इधर भी कुछ ऐड होगा, ये होगा 70, पर यार ऐड लग नहीं रहा, चलो देखते हैं फिर भी, 7 6 2 12, एक सेकेंड 6 2 7 2 14, 70 2 70 से कुछ है नहीं, चलो बाद में देखेंगे, 28 42 4 आया, 3 में से तो 14, 140 120 तो 20 आ रहा है, 140 आ रहा है, ठीक है 20 40 80 70 80 70 नहीं, यहाँ है 70, तो 140 का डिफरेंस 70 का डिफरेंस, तो इधर 35 का डिफरेंस आना चाहिए, 210 में से 35 गए तो 5, 20 में से 3 175 आना चाहिए, आ नहीं रहा यार, एक सेकंड 140 फिर 70, 70 नहीं है तो फिर 35, 35 है तो फिर 210 में से 35 गए तो 5 आना चाहिए, 5 कहीं आ नहीं रहा तो बाद में करेंगे फिर, छोड़ो इधर 75 का डिफरेंस, इधर 50 का डिफरेंस, एक सेकेंड 3 का स्क्वायर प्लस 1 9 का स्क्वायर प्लस 4, ये किसका होता है, 9 10 11 3 9 3 3 9 27 नहीं नहीं 4 5 5 125, फिर 5 क्यों होगा, एक सेकंड 3 का क्यूब 3 6 3, एक सेकंड 3 का क्यूब 27 नहीं 3 6 27 प्लस 4 नहीं यार 9 का स्क्वायर ही होता है फिर, छोड़ा भैया 3 का स्क्वायर 3 की पावर 6, छोड़ो अब नहीं हो रहा, तो 81 * 9 = 72 नहीं हो रहा तो कुछ छोड़ो बाद में करेंगे, ऐसे एक बार ये भी देख लेते हैं 75 50 169 135, 4 3 34, छोड़ो टाइम चला जाएगा यार, (1+0)(2) (1)(2) और इसके बाद 1/4 32 64 64 दुना 100 64 दुना कितना होता है 8 आएगा ना लास्ट में, 128 होना चाहिए क्योंकि ये 32 से आधा हो रहा है, सही है ये अर्थमेटिक, हटाओ 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 हटाओ, ये सही, अरे वाह सिंप्लीफिकेशन, ये 32 का स्क्वायर कितना 3 32 का 3 6 6 12 3 3 9 0 4 4 2 10, 1024 माइनस 8 9 8/9 99 81 972 नहीं 8 9 8 है ना, इसको 900 नहीं कर सकते, 900 कर लेते हैं 100 हो जाएगा, 100 हो गया तो 924 माइनस 72 2 12 7 5 852 850 के सबसे करीब आ रहा है, (x³+9)(749) = 144 + 33 का होता है 3 3 9 9 18
09099810 1089 1444 9413 हासिल 8412 13 हासिल 12 -7 2 9 4 0 504 एक्स का क्यूब 216 7 से आ जाएगा 343 8 से आ जाएगा 512 8 के सबसे करीब है 4545 1 second 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 0.5 1 5 5 10 4 14 हासिल 5 6 6 4 10 10 4 14 हासिल 5 5 10 10 5 15 हासिल 4 4 8 1 9 9 5 14 हासिल 5 6 6 7 4 10 हासिल 5 5 45 5 0 4 5.44 इंटू है तो बटे 9 5 45 4 9 9 9 5 45 है ना 9 5 9 6 36 4 4 8 9 9 81 549 के आसपास क्या आ रहा है 549 550 50 के आसपास तो ये भी आ रहा है यार ये थोड़ा सा क्लियर रिस्पांस एक सेकंड 853 नहीं 854 हो जाएगा 854 -420 4 3 434 -3 4 6 8 42 12 4 8 88 +3 2 2 3 2 2 8 2 10 असल 8 2 10 और 11 से 410 एक तो माउस काम नहीं करता मेरा खुद का भी 1024 32 3 6 6 12 3 9 0 4 10 24 32 × 16/8 × 16 = 64 ये क्या लिखा है 160 160/100 × x 16 × 16 16 × 64 2 5 5 से 20 x = 20 एक सेकंड 20 नहीं 40 टोटल नंबर बॉयज इतना डिक्रीज इतना इंक्रीज हो जाएगा ये वाला इन अ वीक और DI है ना ये DI पॉलिसी सही है अ सर्वे कंडक्टेड ओवर 1000 लोगों को कराया था टोटल इट वाज फाउंड दैट 80 पीपल सेड ड्यू टू कोविड मलेरिया एंड डेंगू इन 2020 कोविड डेंगू मलेरिया इन 2021 अच्छा 2021 में 1000 लोगों को करवाया था इट वाज फाउंड दैट 80% पीपल फेल सिक ड्यू टू कोविड 19 80 मतलब इसका 20 गया तो 800 कोविड की वजह से गए इट वाज फाउंड दैट 80 पीपल ड्यू टू कोविड मलेरिया एंड डेंगू इन 2020 अच्छा 800 यहाँ गए और 1000 यहाँ गए सॉरी आउट ऑफ दोज वो आर अफेक्टेड 65% फेल कोविड 19 20 डेंगू फीवर पीपल वो आर सर्वेड वर स्टूडेंट्स हाउस लेवर्स अरे छोड़ ने यार बाद में करूँगा ये अगर गलत हो गया तो फिर ये बाद में ये वाला हुआ नहीं था ना 150 वाला था डिपॉजिट वाला नहीं है थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मुझे हाँ द पेरीमीटर ऑफ ये करता है 6 मिनट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × लंबाई + चौड़ाई इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 5/2 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 5/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 है चार 10 a = 2 × लंबाई + चौड़ाई 2 5 l + b = 5 a फाइंड द
लेंथ इज 50% ग्रेटर, लेंथ इज 50% ग्रेटर देन ब्रेड्थ, 3 2 5, 5 = 5 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इनटू चौड़ाई 6, इनटू कंटेनर्स हनी वाटर, द रेशियो ऑफ हनी एंड वाटर इन दिस कंटेनर इज 13 8 11 3, हनी वाटर इनटू व्हाट इज इट मिक्स दिस हनी वाटर 5 और 2, 13 8 21, 11 3 14, 13 18 18 3 20 21 18 20 21 18 19 20 21, 11 3 14, 21 और 14 का क्या करें, 7 9 14, 7 3 21, 6 42, इंटू 2 3, 33 9, 26 16। इनको किस इसमें मिलाया जाए कि ये 5 और 2 हो जाए, अरे यार मैं भूल गया इसका क्या था वो, अरे हाँ 26 33, 5 2 7 होता है, 7 6 42, 5 1 30 30, हाँ 4 3 3 4, याद आ गया, लेट याद आया। द मर्चेंट बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर, नहीं ये वाला नहीं करूँगा पहले, हाँ अर्पित एंड दर्पण, अर्पित एंड दर्पण 6 और 75 यानी 60 75, अर्पित विड्रॉ 1500 1000 1000, अर्पित विड्रॉ 1500 आफ्टर 3 मंथ्स, अर्पित विड्रॉ 1500 यानी कि 1500 45 आफ्टर 3 मंथ, और अर्पण डेड 5 मंथ्स इंटू 5 प्लस, अर्पण ने 95 100 डाल दिए आफ्टर 5। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ अर्पण आफ्टर 1 ईयर इफ दर्पण अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20 80, 9 और 7, 6 6 18, 180 00, 00 9 5 45, 9 6 36 37 39 40, 405, 00 5 8 5, 55 25 56 37, 7 5 33, 9 7 63 64 65 66, 00 5 10, 7 7 14, 6 3 9 1 10, 2 2, और ये इसका जस्ट डबल है तो इसका भी डबल हो जाएगा, 1000 85 160 10, 1 1 7 0 11 170, यहाँ गया, अब कहाँ पर है 23 पे ना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, रेशियो ऑफ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई 2 और 3 रिस्पेक्टिवली, द स्पीड ऑफ बोट डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 6 मीटर, 1 = 6, 1 = 6 तो 2 = 12, 3 = 18। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, द बोट स्पीड ऑफ बोट माइनस एक्स प्लस 5, 2y = 3, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 240 स्कूल में, इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर इंक्रीज बाय, अगर ये 240 एक्स है और ये 240 माइनस एक्स है बॉयज़ गर्ल्स, ये 11/10 हो जाती है, गर्ल्स 115/100 हो जाती हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ विल बी 270। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर द इंक्रीज, 11x/10 प्लस 5 × 10 ऐसे 5 3 15, 5 × 10 0, बस क्या था वो यार, इसमें तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी, क्या करें, कुछ इजी नहीं है क्या, ये वाला कौन सा है, फॉर्म में बोलोड़ा मनी आफ्टर द लेटर, छोड़ना यार ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं,
मर्चेंट फॉर बॉट टू आर्टिकल्स फॉर 46,000 ईच, वन सोटेड 17% का प्रॉफिट एट 9 का लॉस, फाइंड द टोटल गेन परसेंट एंड ट्रांजेक्शन फॉर द मर्चेंट। एक सौ 17/46, ये पता नहीं मेरी यार कैलकुलेशन स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। 24 × 23, 3×6 12, 3×6 7 48, 2×7 8 15, 4×1 5, 30 − 220, यानी कि अरे यार हो गया क्या। चलो भाई रीजनिंग करते हैं, वैसे भी आ ही नहीं रहा था। मेरे हिसाब से मैथ इस बार वापस से बिगड़ गई। कंटिन्यू, ये 9 मेंबर्स बाद में करेंगे। एक सेकंड, ये एक क्वेश्चन है तो बाद में करेंगे यार। ऑल पेपर आर बुक्स, सम बुक्स आर बुकलेट्स, सम बुक्स आर बुकलेट, सम ब्राउचर इज नॉट पेपर, सम ब्राउचर ब्राउचर सम ब्राउचर इज नॉट पेपर, सम ब्राउचर कैन बी बुक्स एज वेल एज बुकलेट्स, सम ब्राउचर कैन बी बुक्स एज वेल एज बुकलेट्स, यस। All books are browser being is a possibility, yes. Only second follows. Only father and man, all men are father, all men are father, some father are brother, some father are brother, no brother is mother, no brother is mother, some mother are men, some mother are men, nahi. Some brother or father is a possibility, some brother or father is a possibility, wrong, none follow, some other possibilities are nahi. A certain number of people standing in a line facing the south, names of whom the x and y are standing adjacent to each other only two continuity l and x, x and y sitting adjacent to each other only two people between L and X, all are facing south. The number of people standing to the left of M, M ke left mein is half. Half to the number of persons sitting between L and M ke beech mein jitne bhi hai na, L, M ke between, uske half. L and N are not adjacent to each other. L or N adjacent nahi hai. 7% are standing between X, 7, M. Z and Y are sitting adjacent to each other. No one standing to the right of N. No one standing to the right of N. N extreme end पे बैठा है, right में. N who is standing fourth to the right of X. N standing fourth to the right of X. X के right में. X 1, 2, 3, 4th. तो यहाँ आ गया, ये पक्का है. अब X है तो चार. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है. तो ये हो गया, ये हो गया, Z Y साथ में आएगा, ये बात की है. M के इधर जितने हैं उतने L और N के बीच में आएंगे, ठीक है. L दो X, X इधर है तो दो छोड़ के L आ सकता है. एक बार दो पॉसिबिलिटी बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, M, L दो X, X दो L, X दो छोड़ के L. अब करते हैं एक्स और वाई साथ में है, चलो वो बाद में देखेंगे. जेड वाई, हाँ, तो अगर एक्स वाई है तो वाई के पास में जेड आएगा, और जेड एल साथ में हो सकता है क्या? एक सेकंड, एल एन साथ में नहीं होगा ना, तो ये गलत हो गया, तो यही सही होगा. अब जेड और वाई साथ में आएंगे, और एल और दो एक्स, एल दो एक्स, ठीक है. एक्स और वाई साथ में, एक्स वाई इधर आ गया तो वाई के पास में जेड आएगा इधर, ठीक है. बाद में देखते हैं, पहले एल और एन, एल और एम के बीच में कितने बैठे हैं? एल एम के बीच में अगर चार बैठे हैं तो एम के इधर दो आएंगे, ठीक है. एक्स और वाई साथ में आएगा, अब दो एम, 1, 2, 3, 4, एल, 1, 2, एक्स, 1, 2, 3, एन.
एक बार इधर वाई ले लेते हैं, एक्स दो छोड़ के एक्स और वाई टुगेदर, इधर एक्स और वाई, वाई टुगेदर, इधर वाई के पास में जेड, वाई के पास में जेड, एल दो एक्स, एल दो एक्स, ठीक है वाई जेड, जेड वाई हो गया, ठीक है ये हो गया एल बिटवीन एम, ये हो गया एम, एल दो एक्स, एल दो एक्स, एल दो एक्स, एक्स वाई, एक्स वाई, एल एन, एल एन टुगेदर नहीं है, एल एन टुगेदर नहीं है, ठीक है ओके। नो वन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में कोई नहीं बैठा, एन के राइट में कोई नहीं है, एल एक्स द नंबर ऑफ पीपल इज हाफ द नंबर एल एन, एल एन एन आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू, सेवन पीपल स्टैंडिंग बिटवीन एक्स एंड एम, एक्स और एम बीच में, एक तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, जेड एंड वाई एडजेसेंट टू इच अदर, नो वन इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ एन, नो वन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ एन, एन वो इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ एन, एन वो इज स्टैंडिंग फोर टू द राइट ऑफ एक्स, वन टू थ्री फोर, जेड एंड वाई एडजेसेंट टू इच अदर, पर जेड वाई एक एडजेसेंट टू इच अदर भी आ रहे हैं, फिर एल, तो दो पॉसिबिलिटी, वॉट इज द कैन नॉट बी, वॉट इज द पोजिशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एल, वॉट इज द पोजिशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एल, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हाउ मैनी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह आ रहे हैं भाई, वो स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, वन टू थ्री एल, एक दो एल, एम और वाई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एम और वाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ और आठ इधर आ गया इस वाले में, एक दो तीन चार पाँच छः, छः, एक दो, एल सिटिंग, एल सिटिंग एन के, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टेन पीपल सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, ईच रोज हैज फाइव सिटी सीट्स, 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 सिटीज नहीं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ईच रो हैज फाइव सीट्स इन रो फर्स्ट, ऑल फेसिंग साउथ, ए बी सी डी ई ऊपर आएगा, पी क्यू आर एस टी आर फेसिंग नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, एंड ईच द अरेंजमेंट ऑफ रोज द वन बूज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस डी, क्यू का नेबर डी को फेस करेगा, क्यू का नेबर डी को फेस करेगा, ओनली वन डी ई, डी वन ई, ई वो फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, ई वो फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ, ई वो फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, अच्छा तो ई यहाँ नहीं आएगा, ई वो फेसेस आर एन टी आर इमीडिएट नेबर, आर एन टी आर इमीडिएट नेबर, नीदर क्यू और आर सिटिंग एडजस्ट एंड क्यू आर मिड में आएगा, क्यू आर मिड में आएगा, एस वो फेस इमीडिएट नेबर ऑफ सी, एस वो फेस इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी एस लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में एस आता है, वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ए, सी वन ए, ए वो फेसेस क्यू, ए और क्यू फेस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट, बी फेसेस द पर्सन वो सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में जो बंदा है उसे फेस करेगा बी, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो क्यू आर एंड में नहीं आएगा ना, ठीक है, और क्यू आर एंड में नहीं आएगा, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, तो क्यू यहाँ आ सकता है, क्यू यहाँ आ सकता है, क्यू यहाँ आ सकता है, क्यू को ए फेस करेगा, तो ये हो गया सी वन ए, 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 इसको बाद में देखेंगे, सी के पड़ोस वाला एस को फेस करेगा, सी के पड़ोस वाला एस को, सी के पड़ोस वाला एस को, सी के पड़ोस वाला एस को करेगा, ठीक है, आर और टी, देखो क्यू के पास वाला डी को फेस करेगा, D1 E आएगा, Q
क्यू के पास वाला, तो डी ई ई जिसको फेस कर रहा है उसके पास में पी आएगा, ई जिसको फेस कर रहा है उसके पास में पी आएगा, तो पी यहाँ आ सकता है। देखो पी या ई जिसको फेस कर रहा है उसके पास में पी आएगा, और ई जिसको फेस कर रहा है उसके पास में पी नहीं आएगा। आर टी लाना है, अब आर है ना मिड में नहीं है, आर मिड में ही आएगा, तो आर के लिए दो जगह है, अगर आर यहाँ था या फिर आर यहाँ आएगा। और आर के लेफ्ट में एस आएगा, आर टी पी। अब ये पी के जो सामने बैठा है, उस पी का जो साथ में है उसके सामने ई आना चाहिए, तो पी यहाँ नहीं, पी यहाँ आना चाहिए था, फिर आर टी यहाँ आता, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो है पी नहीं आ सकता, क्योंकि तो ये गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट सी वन ए हो गया, सी के पास वाला एस को फॉलो, एस को करेगा, तो एस अगर यहाँ था तो आर टी यहाँ आएगा, तो पी आ जाएगा। अब आर के लेफ्ट में एस आना चाहिए, तो ये बन रहा है पी एस आर टी, पर पी का पड़ोसी जो है ई को फॉल फेस करेगा, तो ये नहीं हो पाएगा, तो आर टी यहाँ नहीं बनेगा। पी का पड़ोसी ई नहीं बन पाएगा, पी का पड़ोसी ई बन जाएगा, तो पी आ सकता है, आर टी के लिए जगह, आर के लिए जगह नहीं बच पाएगी, तो आर टी के, तो ये भी गलत हो गया। आर एक दो तीन चार पाँच, क्यू आर टी, आर टी एस के लेफ्ट में आर आएगा ना, आर के लेफ्ट में एस, सॉरी आर के लेफ्ट में एस बन तो रहा था, पी क्यू एस आर टी, पी के अपोजिट में ई नहीं आ रहा था ना, हाँ आर टी पी के साथ वाले के, सामने वाले के पास में ई आएगा, ई वन डी। बी के सामने आर के इमीडिएट राइट में जो है वो बी को फेस करेगा, छोड़ यार ये तो मैं बहुत टाइम ले रहा, इफ द लेटर्स एट ऑड पोजिशन इन द वर्ड, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अरे यार शिफ्ट नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई। इफ द लेटर्स एट द ओड पोजिशन इन द वर्ड डिसीजन क्रोमेटिका टेकन एन अरेंज फॉर डी सी एस ओ सी आर एम टी सी, ठीक है, आर टेकन एन अरेंज फ्रॉम अल्फाबेटिक ऑर्डर राइट टू लेफ्ट, ए सी 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 डी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, देन विच इज थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज आर, ईच ऑफ द हैज सेवन डिफरेंट वोवल, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, सेवन सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। एज डिफरेंट अमाउंट बॉटल एफ एज मोर एग्जैक्टली देन टू बॉटल्स, एफ के पास दो से ज़्यादा है, ए हैज 23 विच इज लेस देन बी, सी हैज मोर ऑयल देन एफ बट लेस देन ए, जी हैज 10 ऑयल, जी हैज 10 इन इट विच इज मोर देन बी बट लेस देन ई, ई हैज लेस देन सी, ओके, तो सी के नीचे एफ आएगा, ही हैज लेस ऑयल देन बोटल सी, वॉट कुड बी द, ओके, डी के नीचे ए, ए के नीचे सी के नीचे एफ, डी ए सी एफ, तो डी ए सी एफ नहीं, पर एफ आ रहा है ना,
FCAD, और डी में ए है तो ई के नीचे जी और बी, बी जी ई भी तो आएगा। ई के पास कितना है? एफ एस मोर एग्जैक्टली देन टू वॉटर, ए एस 23 विच इज लेस देन डी, सी हैज मोर देन मोर ऑयल देन एफ बट लेस देन है, तो सी यहाँ आ सकता है और सी यहाँ आ सकता है, क्योंकि सी अगर यहाँ तो ए डी, ए डी क्या ई जी बी, ई जी बी सी के नीचे एफ, जी बी और क्या डी ए, ई कहाँ आएगा, सी के नीचे आएगा डी ए, डी ए सी ई यही बनेगा। वॉट कुड बी द पॉसिबल अमाउंट ऑफ सी, सी क्या क्या हो सकता है, जी का हो गया 10, ए का हो गया 23, वॉट कुड बी द पॉसिबल, 23 से कम क्या होगा, 15 होगा, मोर ई देन ई से 1 2 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ ऑयल, डी, 5 ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट, 5 पीपल वर्न ऑन डिफरेंट कंसेक्यूटिव डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सेलेक्ट द कलर, एवरीवन वाज बोर्न डिफरेंट सिटीज, ए वाज बोर्न बिफोर डी, ए वाज बोर्न बिफोर डी एंड नीदर द ओल्डेस्ट, ए इज नॉट द ओल्डेस्ट, तो ए यहाँ नहीं आएगा, सी और डी वाज बोर्न इन कायरो, सी और डी कायरो में नहीं है, डरबन वो बॉल, डरबन वॉज बॉल इमीडिएटली आफ्टर ई, डरबन इमीडिएटली आफ्टर ई, द वन वो आकरा वॉज बॉर्न आफ्टर द वन वी वॉज बॉर्न इन आकरा, बॉर्न आकरा वॉज बॉर्न आफ्टर द वन वॉज बॉर्न इन कायरो, कायरो के बाद आकरा आता है, बी वॉज बॉर्न आफ्टर ई, बी वॉज बॉर्न आफ्टर E. E was not youngest. E was not youngest of all. Only one person born between RABAT, RABAT and C. At least two people were born before E. E से पहले at least दो तो born हुए थे. तो E के लिए दो जगह हैं. E के बाद B आएगा. पर E के बाद B है तो E के बाद Durban. D-U-R-B-A-N. E के बाद D-U-R. Durban. अब यह है कि ई के बाद भी आ गया, डी के ऊपर ए आएगा, तो डी के ऊपर ए के लिए यही जगह बची है, डी के ऊपर ए, सी यहाँ बचा, कायरो और कायरो के नीचे एक्स, ई के नीचे बी आ गया, ठीक है, डी सी डी कायरो नहीं है, सी डी कायरो नहीं है तो कायरो यहाँ आएगा, पर कायरो के नीचे एक्स नहीं आ रहा तो कायरो यहाँ आएगा और ए सी सी यहाँ आएगा, टी ए सी एफ रैबिट वन सी आर ए बी ए टी और ये बन गया जगह, डी डरबन, डी डरबन नहीं, ए का अकरा, ए अकरा नहीं, ई कायरो, ई कायरो नहीं, सी लेगोस, सी लेगोस यस, बी रैबिट नहीं, बॉर्न ऑन मंडे सी, ई वॉज बॉर्न इन ए सी सी, डी वॉज बॉर्न ऑन थर्सडे, D was born on Wednesday, नहीं, A was born on Wednesday, A was born on Tuesday, नहीं, C Monday, yes, born before E, E से पहले, D A C, A, B C, born in Lagos, सही है, तो B and C, meaningful, 1579, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, E O I T, T O I E, नहीं पता भी यार कुछ, हाँ क्यू को वी के पास जाना है, क्यू गया टी के घर, टी से वी के पास नहीं जा पाएगा, गलत हो गया, बी को जाना है टी के पास, बी गया वी के पास, वी गया टी के पास, सही है, टी को जाना है जी के पास, टी गया वी के पास, वी से एन के पास, बी से बी के पास भी जा सकता है वैसे, पर जी के पास, एक सेकेंड, पी को जी के पास जाना है, पी बी, बी से टी,
टी से जी, लेकिन गलत हो जाएगा, तो ओनली ए, ए एंड बी, ए आएगा ना ओनली, वाई को जेड के पास जाना है, तो वाई गया एक्स के पास, एक्स जेड के पास, वाई जेड के पास हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी ट्रू, एक्स एक्स जेड, सही है। सेवन स्टूडेंट्स 49 सेकेंड बची है, एक बार ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं। एच जे फॉल्स, एच और जे को फॉल्स करना है ना, तो इसके लिए अपने को अपोजिट साइन चाहिए। सेवन नेक्स्ट, और कौन सा यार, ये पजल नहीं यार, इसको कर लेते हैं, 30 सेकेंड बची है, हो जाएगा क्या? एस एंड ए आर मैरिड सन, एस एंड ए आर मैरिड सन ऑफ वाई, वाई इज़ मैरिड टू डब्ल्यू, मुझे लग रहा है इस बार कम नंबर आएंगे, वाई इज़ मैरिड टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, डब्ल्यू इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, एक्स इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, ये तो ऊपर जा रहा है, एक्स इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, 43 ही आया, 79% एक्यूरेसी भी गई, रॉन्ग कितने, अरे यार कितने गलत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इंग्लिश में कितने गलत हुए, इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 9 तो इसी में गलत हो गए, 10 11 12 12 गलत हुए, एक सेकंड कितने गलत हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 तो इंग्लिश में गलत हो गए, मुझे लगा था इंग्लिश मेरा सही गया एक्यूरेसी के साथ, वरना 53 आते। चलो अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहा, देखा जाए तो इंग्लिश में ज़्यादा गलत हो गए, जिस वजह से मेरे एक्यूरेसी मतलब गायब खत्म हो गई, अगर ये गलत ना होते तो बच जाते, इंग्लिश में पता नहीं मैं क्यों लगा दिया, समझ नहीं आ रहा यार क्यों हो गया ऐसा, लेकिन अब देखते हैं जो भी हो गया सो हो गया। 34-35 वाह, परसेंटेज इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है, फिर क्वांटिटेटिव में लॉजिकल रीजनिंग में सबसे कम है, लॉजिकल जो है 9 नंबर आ सकते थे, लेकिन उसके लिए एक पजल सही करनी पड़ती, 40% सबसे कम अभी तक, सबसे पहले आए थे 54, फिर 57, फिर 62, अब वापस 40, नेक्स्ट वाले में एटलीस्ट 70% लाने पड़ेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं, और ये अभी अभी 76% के लिए 56, 15 की मेहनत तो अभी भी करनी है मेरे, कितने 56 है ना, 56 10 मिनट 10 नंबर की मेहनत करनी थी, अगर ये गलत ना होते ना तो मेरे 80% आ जाते, गलती की वजह से हो गया, कोई नहीं हो गया तो क्या ही कर सकते हैं, इसको सुधारेंगे और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मॉक में मिलता है, मॉक टेस्ट 4 में।